आपने मतलब इनको घर से निकाला है, अपने अपने तीनों लड़कों को आपने घर से निकाला? जी कर दी, अलग अलग हो गए, रुगाई ने पिटवाया मेरे को मकान के पीछे, मेरा मकान है। वो काम तो आप खुद ढूंढोगे ना सर? अरे भाई ढूंढते लगाता नहीं है कोई। तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप सभी लोग भाई, आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग पे। तो भाई आज हम बताएंगे आपको लाइफस्टाइल ऑफ बैगर, ठीक है, जगह मतलब बैगर्स कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं, क्या कमाई करते हैं, क्या उनकी डेली इनकम है, कैसे गुजारा करते हैं अपने बच्चों का, सब पूछ के भाई आज हम आपको बताएंगे, आपको अब दिखाते हैं सीधा सीधा। तो और भैया कैसे आप, हाई कर दो एक बार, हाई कर दो। तो भैया आप मतलब रोज़ की रोटी के लिए क्या करते हो आप? काम करता हूँ इसकी। क्या काम करते हो? मेरा शादी का काम है। किस चीज़ का काम? शादी ब्याह में ब्लॉग है। शादी ब्याह में ब्लॉग है। तो मतलब आप अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते लिखाते? पढ़ती है, आंगनवाड़ी में जाती है। आंगनवाड़ी में जाती है। कितने साल के बच्चे आपके? मेरा बच्चा नहीं है, मेरी बहन की लड़की है, इसके पापा ऊपर एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा, पापा एक्सपायर हो गए हैं। अंकल जी आप क्या करते हैं? मेरे तीन लड़के हैं। अच्छा, तो तीनों लड़के क्या करते हैं? तीनों बेकार हैं। तीनों बेकार हैं। क्यों? आपने घर से निकाला है? आपने मतलब इनको घर से निकाला है, अपने अपने तीनों लड़कों को आपने घर से निकाला? जी कर दी, अलग अलग हो गए, रुगाई ने पिटवाया मेरे को मकान के पीछे, मेरा मकान है अपना। मतलब आपके लड़कों ने आपको पिटवाया मकान के पीछे? बहू ने पिटवाया। किन्होंने? बहू ने। बहू ने मतलब बहू ने आग लगाई है? अच्छा, पिटवाया नंगा करके, कपड़े खोल के नंगा करा के मेरे को। तो आप डेली इनकम सोर्स के लिए क्या करते हो, मतलब रोज की रोटी के लिए आप क्या करते हो, क्या काम करते हो आप? मतलब यही है, मतलब थोड़ा मतलब बिजली मांग। हां यहां कोई दे जाए तो खा लेते हैं, काम तो सीजन का काम है। तो मतलब आप मतलब महीने का कितना कमा लेते हो आप? महीने में भाई कभी 6,000 भी बन जाते हैं, कभी 5,000 भी बन जाते हैं, दिहाड़ी का काम कभी कभार ही लगते हैं। मतलब महीने का जो आप 6-5 हज़ार कमाते हो, इससे बढ़िया आप कोई काम वाम? तो आप कोई काम वाम करो जिससे आपके महीने की इनकम मतलब परमानेंट रहे। कोई बता दो भाई। वो काम तो आप खुद ढूंढोगे ना सर? अरे भाई ढूंढते लगाता नहीं है कोई। अच्छा। कोई नहीं लगाता, क्यों, इसके पीछे क्या वजह है? कोई वजह नहीं है, बस भाई लगाते नहीं है, कहते बंदे पूरे हो गए। अच्छा। अगर जो आपको पैसे मिलते हैं आप उनका क्या करते हो? भाई अपने बच्चों में ही खर्च कर देते हैं। किन किन चीज़ों में? यही अपना राशन वूसन, खाने पीने में। खाने पीने में आपने भी अभी पी रखी है? नहीं मैं तो गांजा पीता हूँ भाई। गांजा पीते हो, क्यों? बस अपना शौक है। इतने पैसे मेरे कोई नहीं है भाई, मेरा इधर मतलब इतने पैसे आप कमाते नहीं, आप इतने पैसे कमाते नहीं तो इन चीज़ों में पैसे का खर्च करते हो, इनको बचाया करो। बचाने के लिए भाई क्या बचाए, दिहाड़ियों में कोई बचते थोड़ी है, तनख्वाह वाला काम हो तो चल बंदा बचा भी ले, दिहाड़ी कभी 300 की लगती है, कभी 250 की लगती है। अभी तो मैं कह रहा हूँ 300-250 की आपकी जो दिहाड़ी लगती है, तो आप इन पैसों को बचाओ, आगे यूज़ करो अपने फैमिली के लिए। फैमिली के लिए तो करते हैं भाई, जब तो बैठे हैं यहाँ पे। नहीं तो आप मतलब ये मतलब गांजा मंजा क्यों फूकते हो? ये तो अच्छा है हमारे को भाई, नहीं तो दिहाड़ी करते ही है, बच्चों के लिए तो लाते हैं 100-200 कहीं से। आप क्या करते हो? भैया मैं ऐसे ही घूमता हूँ, ऐसे ही घूमता हूँ। ऐसे ही घूमते हो, कोई काम नहीं करते? नहीं। क्यों? बस ऐसे ही, मतलब ज़िंदगी जीरो, फुल मज़े में है? रोटी खाते? नहीं नहीं आप खाओ बस। बस क्या करें बड़े भाई, ऐसे रोजी रोटी के लिए क्या करते हो आप? रोजी रोटी के लिए बड़े भाई जहाँ काम मिलता वहाँ काम भी कर लेते हैं बड़े भाई। किस चीज़ का काम करते हो? कोई सा भी मिल जाए काम। कोई सा भी काम मिल जाए, मतलब आप सेटिस्फाई हो हर काम में? अच्छा, तो मतलब महीने के क्या कमा लेते हो आप? महीने में मिल जाते 10-15 हज़ार ऐसे। 10-12 हज़ार मिल जाते हो? हाँ। तो मतलब आप कोई मतलब गांजा वांजा भी फूकते हो क्या, अभी कुछ लेते भी हो? नहीं भैया गांजा पीते बस सिर्फ हम। तो मतलब आपके पास इतने पैसे नहीं तो आप इन चीज़ों की लत क्यों लगाते हो? लगी पड़ी है भैया क्या करें, लत। तो आप छोड़ो ना इनको, अपने पैसे सेव करो, अपने मतलब फैमिली पे खर्च करो। पैसे कहाँ से लाते हो? जहाँ काम मिल जाते हैं मेहनत कर लेते हैं, वहाँ नशा कर लेते हैं, दो पैसे बचा लेते हैं। जो काम पे हमें लगाते नहीं रोड का समझ के। परमानेंट में मतलब कोई नहीं लगाता आपको काम पे? अरे भाई हम फुटबाड़ी है भाई, वो बंदे कहते हैं घर वालों को, घर बार हो जिसका उनको लगाएंगे काम पे, इसलिए हम दिहाड़ी का काम करते हैं। मतलब जिसका घर बार हो उनको काम पे लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। आगे से आप कितना कमा लेते हो महीने का? मैं सिक्योरिटी गार्ड में काम करता है, ये बिल्डिंग है। कहाँ पे काम करते हो? सिक्योरिटी गार्ड में। अच्छा, किस चीज़ का? सिक्योरिटी गार्ड में। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड में काम करते हो? अच्छा, आपके गेट पे। तो महीने का कितना कमा लेते हो आप? महीने में 8,000-9,000 रुपये। तो वो पैसे आप कहाँ खर्च करते हो?
क्या करेंगे पैसे का? नहीं, कहाँ खर्च करते हो? अपने ऊपर खर्च करते हो, फैमिली के ऊपर खर्च करते हैं? किसके लिए जोड़ेंगे अब? फैमिली नहीं आपकी कोई? ना। क्यों? हिस्सा ले लिया फैमिली ने, आते हिस्सा ले लिया। ऐसी फैमिली है? मारा मेरे को। अच्छा, लड़कों ने मकान के पैसे भी ले लिए और इसके लड़कों ने और बहुओं ने बहुत मारा बेचारे को। लड़कों ने भगा दिया अपने बाप को। कोई ऐसा बाप होता अपने बच्चे होते बाप को भगा? सही तो कहता, तारीफ करता। घर देखा, हिस्सा लिया और बेचारे का भी हिस्सा रख लिया और मार के भगा दिया उसको। मतलब अपना भी हिस्सा रख लिया, इनका भी हिस्सा रख लिया और मार के भगा दिया। तो अभी आप यहीं पे रहते हो? यहीं अरे सोता हूँ। ये हमारे यहाँ मतलब इधर इधर आप सोते हो? इधर इधर। हाँ जी, बच्चे ध्यान करते हैं मेरा। अच्छा, इनके साथ ही रहते हो? हाँ, दे जाता है कोई भैया, दे जाता है। जैसे रोड पे चल रहे हैं बंदे, कोई दे जाता है खाने पीने के लिए, तो खा लेते हैं, गुजारा चला रहे हैं। भैया क्या करें, बच्चे हैं, बच्चों ने तो भगा दिया माँ बाप को। अब माँ बाप कैसे हैं, जब तक जी रहे जब तक खा रहे हैं। कोई रोड पे दे जाता है दो चार रोटी तो खा ही लेते, सूखी वूखी जैसे भी है, जी रहे हैं, क्या करें। मैंने तीन लड़कों की इसका बेचारे का इतने भी। मेरा यही कहने का मोटिव है आपको कि आपको वैसे इतने कम पैसे मिलते तो आप इन पैसों का नशा क्यों करते हो? अपने फैमिली के ऊपर, बच्चे के ऊपर। अभी आपने बोला कि मैं कांजा भुगतता हूं, 50 का करते हैं बस। अच्छा, महीने में कितनी बार? महीने में भाई कभी कभार हो गया कम से कम 10-12 बार करते। 10-12 बार करते हैं? अगर वही 10-12 बार पैसे बचाओ तो आपके आगे काम आ सकते हैं ना। अरे भाई, इसके लिए जोड़ रहे हैं, भांजी है बेचारे के पापा प्यार हो गए। इनका नाम क्या, कितने साल की बेटी? ये 3 महीने की है अभी। 3 महीने की है? 3 साल की। 3 साल की है। और कौन से स्कूल जाती है? ये अले आंगनवाड़ी में। आगे आंगनवाड़ी में तो पढ़ाई सही होती है उधर? हाँ, खिलाते पिलाते भी है, बच्चों को पढ़ाते भी है, मतलब सब ओके है वहाँ का। हाँ। अच्छा, तो हमने सोचा कि बड़े होके इसको क्या बनाना क्या नहीं करना। बड़े होके भाई इधर से दूर रखना है, इसको पढ़ाना है। पढ़ाना है तो मतलब आप इसको अपने काम पे तो नहीं लगाओगे बड़े? काम वम पे नहीं, इसको बस इसको पढ़ा उड़ो के बस अपने प्यारों पे खड़ी हो जाए, इसका घर निपटा के अपना भाई टेंशन खत्म। बहुत अच्छी बात है कि आपकी ये सोच है। तो भाई जैसे अभी भाई आपने देख ही लिया होगा इनका क्या लाइफ। भाई सच्ची बात, मुझे क्या लगा, मुझे लगा कि इनको बहुत पैसे मिलते हो गए, बहुत पैसे खर्च करते हो गए उल्टी सी जगह में। तो आज मैं इनकी वार्ड लगा हुआ कि भाई इनको पैसे मत दिया करो, इनको कुछ खाने को दे दिया करो लेकिन पैसे मत दिया करो। लेकिन भाई यहाँ पर तो उल्टा ही सीन पड़ गया इनको। भाई वैसे ही इनकी कम कमाई होती है, मतलब 7-8 हज़ार महीने का भाई क्या होता है आप खुद ही बताओ। उसमें से इनको अपना भी खर्चा चलाना है। एक अंकल है उनके, तीनों उन्होंने इतनी मेहनत से बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, 3 बच्चों को बड़ा हुए, शादी हुई, उनकी बीवी ने भड़का के अपने पापा से लड़ाई करवा दी उनकी प्रॉपर्टी के चक्कर में। अब उसके अंकल की प्रॉपर्टी भी छीन ली, उनका घर भी ले लिया, उनका सब ले लिया, उनको घर से निकाल दिया धक्के मार के बाहर। भाई ऐसे बच्चों को ना कसम से इतने सख्त एक्शन होना चाहिए ना ऐसे बच्चों के ऊपर कि मतलब भाई उनकी रूह कांप जाए, समझ रहे हो? अब अंकल की क्या मतलब लाइफ है आप खुद बताओ, ठीक है? वो मतलब वहाँ पे पुल के नीचे, मतलब मेट्रो स्टेशन के साइड में वहाँ पे लेटे हुए, बिस्तर आपको मैं दिखाया उस जगह में वो रह रहे हैं। वही उनकी जगह सोने की जगह, वही उनकी रहने की जगह, वही उनकी खाने की जगह, वही उनकी पीने की जगह है। पैसे कमाई कोई है ही नहीं, कोई मतलब इनको भीख में कुछ दे दे तो वो ले लिया खुश होके, उसके बाद कोई इनको काम वाम दे दे, कोई इनको काम मिल जाए बस वो। अदरवाइज इनका कोई पक्का काम नहीं है, आज काम है कल काम है, मतलब कोई पक्का नहीं है इनका कोई काम की आज है कल नहीं है। तो भाई यार आखिर में मैं यही बोलना चाहूँगा यार इन बंदों की, यही जितनी मतलब मदद हो सके करो, इनको पैसे दो लेकिन इतने भी पैसे मत दो कि सिर पर चढ़ जाए, मतलब 10-20 रुपये दे दो और इनको खाने को जरूर दिया करो यार। कसम से भाई देख के तरस आ गए, मतलब खाने के लिए बेचारे तरसते हैं। वही मतलब इनको पैसे दो लेकिन पैसा ज़्यादा जितना आपके साथ हो सकता, जितना आपको हो सकता है ना, इनको खाने को दिया करो। कभी कपड़े वपड़े दे दो इनको, कोई पुराने कपड़े दे दो, चप्पल जूते सैंडल जींस वगैरह जो भी है वो दे दो, लेकिन पैसे मतलब कम दो यार, पैसे इतने मत दिया करो, आप खाने को दे दिया करो इनको प्लीज़। इनको देख कर कसम से भाई मेरा दिल मतलब भरा आया आज, मतलब भर के बाहर आ गया नीचे गिर गया, अभी उठाना पड़ेगा। अभी जब वीडियो बंद करूँगा तब उठाऊँगा, पड़ा हुआ अच्छा नहीं लग रहा। चलो वैसे जो भी है, तो यार प्लीज़ भाई इनको यार सपोर्ट करना। अभी ये मत सोचना कि इनको बहुत पैसे मिलते हैं, भाई सारे भिखारी एक जैसे नहीं होते, सारे ऐसे नहीं होते। बंदा भाई अगर बंदा मतलब गलत काम करता भी है, मतलब जो उल्टी सी चीज़ें लेता भी है तो महीने में 10 बार लेता है, कोई बात नहीं, मतलब चलता है यार, हर कोई लेता है। अच्छे खासे बंदे लेते हैं तो यार ये बंदे क्यों नहीं ले गए, मतलब बाकी से तो कम है। वो छोड़ो जो अंकल थे वो तो पीते तक नहीं है, कह रहे भाई मैं कुछ बेटा मैं कुछ नहीं पीता, शराब वगैरह कुछ नहीं पीता। तो यार ऐसे बंदे को यार प्लीज़ मतलब सपोर्ट करो यार, उनको जाके कुछ मतलब कहीं भी आपको बैगर्स दिख जाए तो यार उनको कुछ खिला दिया करो, कपड़े दे दिया करो यार, मतलब भीख के तौर से नहीं,
अपने यहाँ मतलब अपनी इंसानी दिखाओ यार, इंडिया में रह के यार तुम क्या मतलब बन रहे हो है, मतलब भाई इंसानी दिखाओ, मतलब अपनी दिखाओ कि भाई इंडिया का तो जिल है ना बंदे का, हीरे से कम नहीं है किसी, ठीक है। तो यार ऐसी उनको सपोर्ट करते रहना, साथ ही साथ मुझे सपोर्ट करते रहना भाई। वहाँ पे थोड़ी पब्लिक इकट्ठी होगी थी तो मुझे वहाँ पे वीडियो एड करके यहाँ पे अपना वीडियो चलाना पड़ा कि भाई थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और भाई मेरी वीडियो ऐसी आपके पास अच्छी अच्छी आती रहेगी, मतलब पब्लिक से रिलेटेड हर किसी से रिलेटेड आती रहेगी, आपका मतलब टाइम वेस्ट नहीं करेगी मेरी वीडियो, कोई भी इस बात की गारंटी है, आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज देती रहेगी इस दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब सब बताते रहेंगे। थैंक यू गाइस वॉचिंग माई व्लॉग, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, और मुझे भी ना भूले। थैंक यू।